हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समोसा बैग की पेपर कटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए सीजर, स्केच कलर, इंच टेप और पेपर चाहिए। और समोसा बैग की मैंने छोटी साइज की वीडियो मैंने अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पे जाके और वहाँ पे व्यूज कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समोसा बैग की जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से व्यूज कर सकते हैं। इस समोसा बैग की छोटी साइज की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसकी मैं आपको पेपर कटिंग बताऊंगी। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम समोसा बैग में हमें बड़ी साइज की बैग बताओ, तो उसकी वीडियो मैं जल्दी आप सबके लिए लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए आप सब मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समोसे बैग का कुछ मेजरमेंट इस तरह से है। 20x8 का एक पीस कट करना है हमें, 5x5 का दो पीस कट करना है, 12x5 का हमें एक पीस कट करना है और बीच में से हमें कट कर लेना है कपड़े को। मतलब 12x5 का हम जो कपड़ा कट करेंगे या जो पेपर कट करेंगे उसको हमें बीच से कट करना है, यानी 5 है तो हमें 5 का हाफ कर लेना है और बीच से पूरा कट कर लेना है सीधे में। और बेल्ट के लिए हमें देखिए 20x4 का दो पीस कट करना है, यानी 20x का हमें दोनों साइड्स के लिए दो इस तरह से दो पीस कट करना है। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी लंबाई हम 20 लेंगे, 20 इंच लेनी है। देखिए यहाँ पे 20 इंच ले लिया और चौड़ाई हमें 8 इंच लेना है। यहाँ से ये देखिए 8 इंच यहाँ पे लगा लिया इस तरह से, और बीच में हमें दो तीन जगह इस तरह से देखिए 8 इंच पे हमें टिक कर लेना है, जिससे कि इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने में हमें मदद होगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये देखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से रख के इंच टेप को, और सीधे में हमें स्केच चला लेना है। आप चाहे तो आपके पास बड़ी वाली स्केल हो तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। अब यहां से इसे पूरा हमें एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। यानी ये 20x8 का देखिए वन पीस। और अब इसे हमें सीजर से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको 20x8 का कट करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है 5x5 का दो पीस, तो हम इसी पेपर को फिर से ले लेंगे और ये देखिए यहां से इस तरह से 5 इंच का हमें देखिए रखना है। ये देखिए यहाँ पे 5 इंच है और फिर से यहां से हमें इस तरह से 5 इंच लेना है। देखिए इसे भी हमें कट कर लेना है, यानी देखिए 5x5 का हमें दो पीस कट करना है, क्योंकि साइड में जो हम लगाते हैं साइड पॉकेट उसके लिए इसे हमें दो पीस कट करना है। दो कटिंग कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 12x5 का वन पीस और बीच से कट करना, तो अब ये इसे बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12x5 का मैंने फिर से एक पीस कट किया है। ये देखिए
12 बाय 5। अब भी देखिए इस तरह से 5 है और लंबाई यहाँ पे 12 है। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है बीच से कट करना, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस तरह पेपर को फोल्ड कर लेंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा, यानी 5 का आधा 2.5 आ जाएगा। और यहां से हम इसे कट कर लेंगे सीधे में एकदम, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमें जीप, देखिए यहाँ पे कट कर लिया है तो यहाँ पे हम जीप लगा लेंगे। देखिए बैक सीते टाइम यहाँ पे हमें जीप लगा लेना है बीच में। देखिए लास्ट में है 20x4 का 2 पीस हमें बेल्ट के लिए चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20x4 का हमें बेल्ट बनाना है तो इस तरह का हमें 2 पीस चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस तरह से हम कपड़े पे कटिंग करते टाइम हमें इतनी बड़ा ही कपड़ा कट करना है और इसके ऊपर फिर स्पंज लगा के फिर ऊपर से अस्तर के लिए हमें कपड़ा और लगाना होता है। फिर हमें इसे देखिए इस तरह से 1-1 इंच पे हमें इसे दोनों तरफ से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको पेपर कटिंग पे इस तरह से बता रही हूँ, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे पूरा कपड़े को इस तरह से कर लेना है पेपर को। और ये देखिए उसके बाद अब दोनों तरफ से हमने 1-1 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये जो बेल्ट है 1 इंच की तैयार हो जाएगी। ये देखिए और इस तरह से तैयार करने के बाद हमें दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा बेल्ट भी बनके इस तरह से तैयार हो गया। कटिंग बता दी मैंने आपको। देखिए फ्रेंड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने 20x8 की जो कटिंग की है यहाँ पे, तो इसको समोसा शेप में लाने के लिए हमें इसमें कट करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें पेपर को फोल्ड कर लेना है, डबल कर लेंगे पेपर को, ये देखिए। और डबल करने के बाद इस तरह से बराबर कर लेना है अच्छी तरह से, ये देखिए। उसके बाद फिर से अब एक को इस तरह से फिर से हमें फोल्ड कर लेना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद अब देखिए यहां से नीचे की तरफ से हमें नीचे की तरफ यहां से हम अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम ये देखिए 1.5 इंच इस तरह से, ये देखिए 1.5 हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। और आगे की तरफ हमें ये देखिए इस तरह से टिक कर लेना है। उसके बाद अब यहां से हमें देखिए क्रॉस में यहां तक क्रॉस में इस तरह से इंच टेप को रख के और इसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेना है और अब देखिए इसे हमें कट कर लेना है। यहीं से हमें एकदम क्रॉस में कट कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा अंदर लेते हुए नहीं कट करना है, ये देखिए बाहर की तरफ से जाते हुए कट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया और अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका शेप आ गया। बाकी मैंने आपको वीडियो में इसे सिलना मैंने बताया ही है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी डिटेल में समोसा बैग की पेपर कटिंग मैंने बता दिया है आपको। देखिए ये बेल्ट के लिए बता दिया, यहाँ पे हमें जिप लगाने के लिए आपको बता दिया पेपर कट करके। यहाँ पे जो 5 इंच था उसका हमने 2.5 लेके और 20 से कट कर लिया है। और साइड पॉकेट के लिए 5x5 का हमने इस तरह से पेपर कटिंग कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया पेपर कटिंग, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है फ्रेंड्स उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।